एक बार पुनः मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, अपने चैनल का नाम है दया मैथ्स एनालिसिस। इस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक्सपोनेंट आज का टॉपिक है, पार्ट थर्ड का लेक्चर है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को स्किप ना करें, इसको कम्प्लीटली देखें। अगर आपका एक्सपोनेंट पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पे जो है, मैं आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे जो मेंशन किए गए हैं, इन सभी क्वेश्चन को लगाने का क्या प्रॉपर प्रोसेस होता है, उसका मैं सही तरीके से एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा। तो जरा आप उसको कंप्लीटली देखें आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन का जो बेस है, यानी इंस्ट्रक्शन जो है वो है क्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन बेस ये दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स, यानी ये जितने भी जो दिए गए हैं सब इक्वेशन के फॉर्मेट पर दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू को डिटरमाइन करना है कि एक्स का रिजल्ट क्या होगा। तो मैंने पार्ट वन और पार्ट टू की वीडियोस में एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, स्पेशली उसकी जो प्रॉपर्टीज है, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। तो वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि उन्हीं की प्रॉपर्टीज के बेस पे ये सारे क्वेश्चन लगने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर वन, 7 to the power 2x + 3 = 1 दिया गया है। अब इसमें क्या करना है कि इसमें आपको x की वैल्यू को पता करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी जो कि बताई गई थी कि जब a का पावर m और a का पावर n जब बराबर हो जाते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है, m की वैल्यू क्या हो जाती है, n की बराबर हो जाती है। और इसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो एक प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, और दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है कि a का पावर 0 = क्या होता है, 1 होता है। यानी किसी भी बेस का पावर जब भी 0 हो जाएगा तो उसका रिजल्ट जो है 1 के इक्वल लिखा जाता है। अब वही यही जो कॉन्सेप्ट जो है ना, इसमें हम लोग यूज करेंगे। तो देखो क्या करेंगे इसको, सपोज करो अगर आप उसका सोल्यूशन लेना चाहते हो तो क्या लिखोगे, 7 to the power 2x + 3। आपको समझना होगा कि इसमें पावर क्या है और बेस क्या है। तो बेस यहाँ 7 है, ये आपका ये जो है इसमें बेस दिया गया है, और ये दिया गया है क्या, पावर। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 को क्या लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जब भी बेस का पावर 0 हो जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आपको सोचना होगा कि इन दोनों में से पहले कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, इस पहले वाली प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे या दूसरे वाले प्रॉपर्टीज का। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप पहले दूसरी प्रॉपर्टीज का यूज करोगे, क्योंकि बिना इसके यूज किए बिना आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगा पाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी तब काम करेगी जब दोनों का बेस क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे जब आप इंडिकेट जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ बेस तो 7 है और यहाँ बेस क्या है, 1 है। तो अभी यहाँ बेस इक्वल नहीं हुआ है, तो इसके पहले आप क्या करना होगा, आपको 1 को क्या लिख सकते हो, तो आप 1 को क्या लिख सकते हो, 7 to the power 0। यानी अगर आप 7 to the power 0 लिख भी दोगे तो भी वैल्यू क्या होगी, ये 1 के आपस में बराबर होगी। अब यहाँ देख सकते हो, चूंकि बेस सेम है, बेस इज सेम, सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दोनों के पास क्या करेंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x + 3 = 0 आप ऐसे लिख सकते हैं। अभी चूंकि ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे जब 3 को जब इधर शिफ्ट करोगे तो ये आपको सोचना होगा कि इसका साइन क्या होगा। तो ये साइन जाएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि ये प्लस से कनेक्टेड है। तो 2x = -3। अब आपको सोचना होगा कि 2 और x के बीच में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो यूज हुआ है वह इंटू का है। तो इंटू का है तो रूल क्या होता है, जब रिप्लेस करेंगे तो किस में जाएगा, डिवाइडेशन में जाएगा। ये तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, x = -3/2। तो ये जो है आपने पहला जो है इक्वेशन आपने सॉल्व कर लिया है। अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहां दिया गया है, 2 to the power x + 1 = 4 to the power x - 3। अब यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग करेंगे। अब इसके लिए क्या करना होगा कि आपको बेस सेम करना होगा।
जैसे मान लो यहाँ बेस 2 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि 4 को भी जो है 2 के बेस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट करने के बाद देखो होता क्या है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि क्या लिख सकते हो आप। तो 2 का पावर x प्लस 1, आप x को ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और यहाँ एक स्मॉल ब्रैकेट बना करके यहाँ पे क्या लगा लेंगे, एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे आपको सोचना होगा कि इसमें मैं कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज करने वाला हूँ। अब आपको समझना होगा कि देखो, जब a का पावर m हो और उसका भी पावर n हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है पावरों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, a इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे a लिखेंगे और इन दोनों के पावरों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एम एन हो जाएगा। और वही कॉन्सेप्ट जो है हम लोग यहाँ पे भी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अब यहां देखो क्या हो रहा है, 2 टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहां देखिए दोनों के पावर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई पहले x में करना होगा तो क्या होगा, 2x हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में करोगे तो माइनस 6 हो जाएगा। अब आपको सोचना होगा कि इसके बाद से हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो आप, अब इसके लिए जो हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n, सो m इज इक्वल टू n। ये काम तब करेगा जब दोनों के बेस सेम होंगे। अब यहाँ देखो दोनों का बेस सेम हुआ है, इसीलिए हम पावर का कंपेरिजन कर सकते हैं। तब यहाँ क्या लिख सकते हैं, r x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, हमने से लिख दिया। अब उसके से करना क्या होगा कि देखिए वेरिएबल और कॉन्स्टेंट ऐड नहीं होते हैं, तो माइनस 6 को जब इधर ट्रांसफर करोगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, प्लस में आ जाएगा, और x को इधर भेजना होगा। तो जब माइनस 6 को आप यहां लाओगे इस एज में, और सॉरी माइनस 6 को आपने इधर लाया और आपको क्या करना है, x को इधर ट्रांसफर करना है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। फिर से समझ लीजिए हुआ क्या है, माइनस 6 को आपने कहाँ भेजा है, आपने भेजा है राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर, तो चूंकि माइनस है इसीलिए साइन किसमें कन्वर्ट हो गया, प्लस में, और 1 की वैल्यू जैसी है वो वैसी ही रहेगी, जैसा कि प्लस 1 दिख रहा है। आपने x को ट्रांसफर किया तो x क्या था, एक पॉजिटिव था, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव मानेंगे, और उधर रिप्लेस होने पर किधर गया है, माइनस में कन्वर्ट हुआ है। अब यहां देखो क्या हुआ, रिजल्ट 2x में से x का सबट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, और यहाँ पे 1 और 6 का जो रिजल्ट होगा वो 7 होगा। तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू आई है वो 7 आई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन भी एक इक्वेशन है और आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो कैसे लगेगा ये, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि यहां मेंशन है, 2 टू द पावर 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 टू द पावर x प्लस 3 दिया गया है। अब यहां पे भी वही कांसेप्ट यहां पे करना होगा, क्योंकि यहां बेस 2 है और आपको x की वैल्यू पता करनी है, तो x की वैल्यू को पता करने के लिए बेस सेम होना जरूरी है। तो यहां पे क्या करोगे, 2 टू द पावर 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 टू पावर 3, यानी 2 का क्यूब भी आप लिख सकते हैं। अब ये लिखने के बाद इसको आपको ब्रैकेट में रखना होगा और यहाँ पे पावर x प्लस 3 ऐसे रहने देना है। अब आपको करना क्या है कि इसमें कोई चेंजिंग तो करने नहीं है, इसको आप वैसे ही आप उतार लें, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो इन आपको क्या करना है, इन दोनों के पावर्स का मल्टीप्लाई करना है। और आपको वो रूल दिमाग में याद रखना है कि जब a का पावर m और उसका भी पावर n दिया गया होता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, तो क्या लिखेंगे आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया क्या, 3 का मल्टीप्लाई में किया तो हो गया 3x, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि यहाँ जो साइन जो यूज हुआ है वो क्या है, यहाँ साइन है पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव जरूर लगाइए, और 3 3 9। अब आप देख सकते हो कि दोनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया। तब यहाँ पे जब बेस सेम हो गया तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे आप, यहाँ प्रॉपर्टी यूज करोगे ये वाली, जब a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n होता है तब सो m इज इक्वल टू n हो जाता है, यानी पावर आपस में बराबर आते हैं। तो वही चीज आपको यहाँ पे भी करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या करना, आपको
क्योंकि बेस तो आपने सेम कर लिया, इसीलिए हेंस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 9। अब यहां देखो 3x को शिफ्ट करोगे इस साइड में, तो चूंकि 3x की आगे का जो साइन है वो पॉजिटिव है, इसीलिए जब आप इसको यहां से इधर रिप्लेस करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में आ जाएगा। तो 5x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब प्लस 3 को उधर भेजना होगा, तो भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस 3 प्लस 9। अब यहां देखो रिजल्ट क्या मिला, एक बार फिर से देख लीजिए कि मिस्टेक, अब देखो यहां पे एक मिस्टेक है, इसमें क्या है, ये x था इसीलिए यहां पे x जरूर लगाइएगा, ये तो सबट्रैक्शन नहीं होगा। अब देखो 5x और 3x का जब सबट्रैक्शन करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो यहां मिला 2x और यहां क्या मिलेगा। अब देखो यहां पे सबसे पहले आप देखो, अगर आपको सबट्रैक्शन करने में दिक्कत भी होती है तो देखो कि कौन सा डिजिट बड़ा है, यानी कौन सा नंबर बड़ा है, 9 ग्रेटर, 9 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा लीजिए। अब चूंकि अब देख लो कि किस कैटेगरी के हैं, तो किस कैटेगरी के, ये दोनों डिफरेंट कैटेगरी है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और इसमें सबट्रैक्शन हो जाएगा तो क्या होगा 6। अब यहां पे देखो 2 और x इसके बीच में जो साइन जो है वो मैथमेटिकल, जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है वो इनटू का है, तो इनटू का है तो रिप्लेस करने पे क्या होगा, डिवाइडेशन में कन्वर्ट होगा, तो मैं यहां पे मेंशन करता रहा हूं, तो x इक्वल टू क्या होगा प्लस 6 डिवाइडिंग बाय 2 और x इक्वल टू 3। तो ये जो है मैंने आपको तीसरा इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको यहां समझाया है। अब हम मूव करते हैं चौथे इक्वेशन की तरफ, देखते हैं चौथा इक्वेशन क्या है। अब वीडियो के कॉन्सेप्ट को देख करके उसका अभ्यास भी करते रहें, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आपको उत्तीर्ण होना है तो केवल एक प्रैक्टिस एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू जो है आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अब यहां पे देखते हैं यहां पे क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां दिया गया है 4 का पावर 2x दिया गया है, और यहां दिया गया है 1/32 दिया गया है। तो आपको एक चीज जान लीजिए कि 4 और 32 इनको जो है आप 2 के बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 32 जो दिया गया है, इस 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5। अब अगर आप सोच रहे होंगे कैसे इसको लिख सकते हैं, इसका तरीका क्या है, तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए इस तरीके से। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से कर लेना होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम 2 का पावर 5 लिख देंगे तो जो रिजल्ट होगा वो 32 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल देखो कैसे लग रहा है ये क्वेश्चन, तो 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और यहाँ पावर 2x लिखा हुआ है। अब 1/32 दिया गया है, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इन दोनों का पावर का मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा, 2 का पावर 4x इज इक्वल टू, और जो 32 दिया गया है इसको लिख सकते हो 2 का पावर 5। अब आपको एक नई प्रॉपर्टी अब आपको मिलने वाली है, मतलब अब आपको देखना होगा कि अब इसमें क्या चेंजिंग आ रही है उसको आपको समझना होगा। देखिए आप इसको, आपको एक मैंने एक रूल बताया था कि जैसे मान लीजिए कि अगर a बाई बी दिया गया हो और उसका पावर m हो, तो होता क्या है कि जब हम किसी इसका अगर हम रेसिप्रोकल जैसे ही लिखेंगे, या रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डिनोमिनेटर b है और न्यूमरेटर क्या है, a है, तो अगर आप उसको रिप्लेस कर दोगे, यानी न्यूमरेटर की जगह पे b करना और डिनोमिनेटर की जगह पे a, तो यह करते समय क्या होगा, जो पावर जो है जो पॉजिटिव अभी जो दिख रहा है वो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। यानी जैसे ही इसका रेसिप्रोकल लिखोगे, मतलब उल्टा आपने कर दिया, तो जो पावर जो होगा वो माइनस m में चला जाएगा, यानी पॉजिटिव से निगेटिव में। ये ध्यान रखना होगा कि बेस का साइन नहीं बदलेगा, बेस जो है क्या हुआ, देखिए बेस सिर्फ पलटा है, लेकिन पलटने के बाद इसके इसका साइन चेंज नहीं हुआ, साइन किस में चेंज हुआ था, सिर्फ पावर में हुआ था। तो यहां पे भी क्या करना है कि जब आप इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो क्या होगा, ये हो गया 2 का पावर -5। अब यहां देखो दोनों का बेस सेम हो गया, अब बेस सेम हो गया तो कॉन्सेप्ट हम लोग वही अप्लाई करेंगे जैसा कि भी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो हम क्या ले सकते हैं, 4x इज इक्वल टू -5। वैसे यहां मेंशन में कर दे रहा हूं मैं, a का पावर m = a का पावर n, सो m इज इक्वल टू n, ये कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। अब यहां पे इसके कॉन्सेप्ट को बाकी कॉन्सेप्ट को इधर मैं मेंशन कर दे रहा हूं मैं,
सुविधा यहाँ पे 4 square root -5 आपने लिखा था, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे इनटू का साइन है, तो जब इसको रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया x = -5/4, तो ये हो गया सोल्यूशन और किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का था। अब एक आखिरी जो है इक्वेशन जो बचा है इसको मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं, मैं इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे कि इसका आंसर क्या आया। अगर वीडियोस का कॉन्सेप्ट आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।